सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो आज डेट है 21st of September 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाया है। गुजरात में चल रहा है सहकार भारती का सम्मेलन। तो सहकार भारती के जो संस्थापक थे लेट लक्ष्मणराव इनामदार, उनका बर्थ सेंचुरी ईयर भी चल रहा है 2016 to 2018। ये एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है इन टर्म्स ऑफ आरएसएस की अगर हम बात करें। ये फाउंडिंग फादर हैं आरएसएस के इन गुजरात और इनको हम पॉपुलरली वकील साहब के नाम से जानते हैं। तो सहकार भारती ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम 21st of September। अगर हम हमारे पीएम मोदी का और इनके रिलेशन के बीच में बात करें तो इनामदार को हमारे पीएम मोदी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। एज वेल एज जब मोदी जी ने 2001 में एक बुक पब्लिश करी थी सेतु बंधु, तो उसके अंदर भी टोटली इनके बारे में ही बताया गया था। वो जो सेतु बंधु है वो बायोग्राफी है इनामदार की। एज वेल एज मोदी जी ने 2008 में बुक निकाली जिसका नाम था ज्योतिपुंज, जिसके अंदर टोटल 16 प्रोमिनेंट आरएसएस फिगर्स के बारे में बताया गया था। उसके अंदर एक डेडिकेटेड चैप्टर था अबाउट इनामदार। अगली न्यूज ये है, देखो एक मां कसम हिंदुस्तान स्वच्छ रखेंगे हम नाम की कैंपेन स्टार्ट की गई है और ये कैंपेन स्टार्ट करी है डेली हिंदी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान ने। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर जो ये कैंपेन है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो कि हमारे पीएम ने स्टार्ट करी थी, जो कि 15th of September से लेकर 2nd of October तक चलेगी, जब तक हम इस बारी स्वच्छ गांधी जयंती नहीं मना लेते। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज विटनेसिंग न्यू इनिशिएटिव्स बीइंग अंडरटेकन बाय द स्टेट्स। जैसे पंजाब के अंदर एक मिशन स्वच्छ पंजाब नाम का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियोज आ चुकी हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ स्वच्छता। जब हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कैंपेन का एक रिजल्ट बहुत अच्छा है कि जो नवेली है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। एज वेल एज मीडिया भी अपने कैंपेनिंग के थ्रू स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंदर अपना खूब सारा योगदान दे रही है। ये इस आंदोलन के अंदर एक 17 ईयर बॉय जो कि कश्मीर से है उसको भी शोकेस किया जा रहा है, क्योंकि उसने एक कैंपेन स्टार्ट करी है टू क्लीन वुलर लेक। इंडियन आर्मी की बात करें तो वहाँ पर भी क्लीनिनेस ड्राइव का बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है एट सियाचिन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटल फील्ड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 9,500 to 21,000 feet। कारगिल ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया है और वो बन गया है थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू डू सो। एज वेल एज आंध्र प्रदेश ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम अपने फुल स्टेट को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर देंगे बाय मार्च 2018। सो पीएम मोदी बहुत जल्द विजिट करने वाले हैं वाराणसी, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और यहाँ पर ये टोटल 3 प्रोग्राम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉन्च करेंगे। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल, जो कि एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर होगा फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एट बड़ा लालपुर। सेकेंड महामना एक्सप्रेस, ये ट्रेन कनेक्ट करेगी वाराणसी विद सूरत एंड वडोदरा इन गुजरात। एज वेल एज ही विल ऑल्सो लॉन्च उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक। तो ये जो बैंक है ये बेसिकली जनवरी में लॉन्च होना था पर थोड़ा डिले होकर अभी ये सितंबर में लॉन्च होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फिनेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, वो फिर से हुनर हाट नाम का एक इनका एग्जीबिशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स को ये लोग शोकेस करते हैं बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, चाहे वो मुस्लिम से हों, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या जैन, या एग्जिबिट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, कुजीन्स को, और सेलिंग ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत काम आता है। तो इस बार ये ऑर्गेनाइज हो रहा है September 24 to 30 और ये हो रहा है पुडुचेरी में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे और पीआईबी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।